आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम दोनों भाई बहनों ने करी है मम्मी की एक्टिंग। नितेश बता हमें मम्मी की कैसे एक्टिंग करी है और किस टॉपिक के ऊपर एक्टिंग करी है। वो आप देख के आगे वीडियो को आप समझ जाएंगे कि यह कैसे एक्टिंग करी है। हाँ, लेकिन हम आपको टॉपिक बता देते हैं कि एग्जाम के ऊपर रिलेटेड हमने एक्टिंग करी है कि मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है जब मम्मी हमारे मार्क्स सुनती है। तो नितेश तो पहले बड़े नखरे कर रहा था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मेरे आगे कहाँ टिकने वाली है, तो मैंने इसे ले ही लिया। बता नितेश। हाँ, तो ये मेरी बड़ी बहन है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। नितेश करने वाला है कार्तिक की एक्टिंग और मैं करने वाली हूँ मम्मी की एक्टिंग। कि जब कार्तिक के कम नंबर आए तो मम्मी का कैसा रिएक्शन था, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ कार्तिक, कितना है मैथ में तेरे? दीदी वो थोड़े से कम आए हैं मेरे, आपकी वाली मैथ में। कितने आए हैं? इतना लाजी हो रहा था, कितने नंबर आ गए? 15 मार्क्स कित कट गए? ऐ दीदी वो ना मल्टीप्लिकेशन ना आवे थी। तन तो कुछ भी ना आता। ऐ दीदी बहुत बड़ी थी वाह। तो ऐ बड़ी का समय बड़ी आवेगी, छोटी तो आवे नहीं की। ऐ दीदी एक पेज की थी वाह पूरी। तो ऐ मतलब फिर आते उसकी जगह माइनस माइनस की जगह मल्टीप्लाई, तो वो एक का है करे। ना दीदी। तो ऐ वो दीदी बटर बता देता है ना थारा, कितना बड़े अत्रिया कोई कुछ करवा लो है ना। आज तो की बात है जी, प्रिया पूरी फोम मार रही है। आज के पिला दिया आपने प्रिया तो गोल के। अरे पापा ने कुछ ना पिलाया, आज मुझे अपने आप को अपने पापा के आगे साबित करके दिखा रहा था कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कुछ भी कर सकते हो आप, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ और ये सब करती हूँ। हाँ गाइस, टीम का नंबर आ चुका है और अब बारी है। हाय, मेरा नाम है दिशु। तो दिशु तेरे कितने आए हैं? इंग्लिश में मेरे 52 आए। वेरी गुड। साइंस और इंग्लिश में मेरे
वेरी गुड दीजू, वेरी गुड। सीखो तो कुछ ना लाया को इससे सीखो। हाँ आजा मेरी बेटी, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। गाइस अब मैं खुद की एक्टिंग करूंगी कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मैंने दीशु के मार्क्स सुने। तो दीदी मेरे है ना ईवीएस में तो 41 मार्क्स आए और इंग्लिश में 42 मार्क्स आए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इंग्लिश में है ना इसे बहुत ही तेज फीवर चढ़ा हुआ था, इसे दस्त भी लगे तो, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है मेरे हिसाब से। तो वेरी गुड दीशु की बेटा। तो गाइस अब आपके सामने आ रही है निकिता। हाँ तो निकी कितना है तेरे मैथ में? चार मैथ में तो तू बख्श दी गई, मैंने बेरा तू मैथ में थोड़ी कमजोर है। और हमें बता तेरे कितने आए हैं? साइंस में मेरे 55 आ गए। कित कट के तेरे इतने मार्क्स? तो दो दिन चक्कर और है फिजिक्स के नाम थे। क्यों नाम है तेरे? मैडम तो पूछी तन्ने है पूछा तो तन्ने है ना एबीसी त्रिया सुधीर पर खड़ी हो जाओगी यार है ना। अब किस तो सुधीर तो दिया पैदा नहीं हुई है। और हमें बता कितने हैं? चल एस एस टी में तो ठीक है। और हमें बता इंग्लिश में 65 है। क्यों इंग्लिश में 65 क्यों आ रही है? 3 हो रही है तू इंग्लिश में तो सब क्रेज है मार्क्स आए हैं वो पैसे से बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। चल ठीक है इंग्लिश में भी जा साइंस और मैथ में तुम्हें करनी पड़ेगी मैं कहते ये लापरवाही नहीं चलेगी। आई समझ में बात है करेगी ना करे मैं कहते ये बता दे हमने पे तेरी सरकारी में करवा दे हम तुमने बता दे क्यों पीछे फुकवा में मारे नहीं वैसे तो बढ़िया है कोई बात वो तो बढ़िया मार्क्स है एक नंबर तो हमें वो हमारे सिली सीरीज का ही मुझे दिया आपको बता रहा। गाइस अभी एक्टिंग सर्ट के इसके पता है मार्क्स कहाँ कटते हैं? जहाँ पे सभी लोगों के सही मार्क्स होते हैं ना आसान से आसान क्वेश्चन उसमें इसके मार्क्स कटते हैं और जो डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन वो ऐसे ही करके आता है और आसान से आसान क्वेश्चन में ये गलती करके आता है। तो हम एक्टिंग में वापस आ जाते हैं। हाँ तो बताओ मेरे एसएसटी में कितने आए होंगे? एसएसटी में आज इतने एसएसटी तो ठीक है 75। चलो आपने इसका अंदाजा अच्छा लगाया इससे मेरा आया 77। वेरी गुड। और अच्छा बताओ मैं कौन सा सब्जेक्ट रह गया? इंग्लिश। इंग्लिश में तो नहीं कमाएगा आपको बता रहा हूँ पहले। कोई बात ना तो इंग्लिश में तो पहले का होता तेरे पैसे में कटते हैं। अब ना चलेगा आप 60 की लाइन में 16। हाँ और अब बताओ 60 की लाइन 60 की लाइन में तो है वो 60 में नीचे 60 है ऊपर 60 में ऊपर मतलब मिडिल से है ये आपने तो ठीक लगाया है 60 में मिडिल की लाइन में है। अच्छा ठीक है और हम बता। अच्छा और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? साइंस। साइंस में तो तू बढ़िया है साइंस में तो तेरा तू का होता है कि 979 या 78। हां 78 आया मेरे साइंस में बढ़िया। तो गाइस जैसे मम्मी रिएक्ट करती है हमने उसे थोड़ा सा कम करके दिखाया मम्मी जरा ऑल ओवर रिएक्ट कर देती है। तो आप देख रहे हो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोनों की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को इधर पता क्या करना है इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको अपने मार्क्स बताए नहीं। तो गाइस आप सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग देखने के लिए आते हैं और ब्लॉग देखिए और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे मार्क्स जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक्टिंग की दुकान